लोकसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तमाम सियासी लीडरान तैयारी में जुटे हैं। आवाम अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं और इसी सिलसिले में सलाम टीवी की टीम पहुंची है कानपुर और जाना वहां के आवाम का रुख। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सैयद मुबशर। चौथे चरण के पहले शहर में हम पहुंचे हैं और शहर का नाम है कानपुर। कानपुर अपने कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या वाकई कानपुर में जो यहाँ के कानपुर के लोगों को चाहिए था वो मिल सका? राजनीतिक दल आए, वादा किया, वोट लिया और उसके बाद क्या वापस आए, ये भी जानेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और कानपुर के लोग बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए मशहूर हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर क्यों ना हो। तो आइए जानते हैं कानपुर की जनता से कि कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में। कानपुर वाहिद हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जो चाहे मुगलों की बात करें चाहे ब्रिटिशर्स की बात करें, इस शहर को इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग माना जाता था। उसके पीछे की वजह यह थी कि इंडस्ट्रीज हो, लेदर उद्योग हो, ये बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे। लेकिन पिछले कई सालों से, 10 साल 15 साल से अगर हम बात करें और उससे पहले की भी अगर बात करें, तो कानपुर के लोगों की जो जीत थी, जो इंडस्ट्रीज थी, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने लगी हैं। युवा कानपुर छोड़कर अब बाहर निकल रहा है। क्या कुछ सोचना है इसी पर, चाहे वो युवा हों चाहे वो आम नागरिक हों और ख़ास तौर पर मुसलमान, क्या सोचता है कानपुर को लेकर, कौन होगा 24 का सरदार, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, जानते हैं सबसे पहले क्या क्या कानपुर के मन में है, क्या मुसलमानों के मन में है खास तौर पर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शारिक। शारिक साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं जी? चलिए शुरुआत बिजनेस से करते हैं। ठीक ठाक है सब कुछ? ठीक ही कह सकते हैं, बस पेट चल रहा है। ठीक कह सकते हैं, ठाक नहीं कह सकते? पहले जैसा नहीं कह सकते। पहले जैसा बस ठीक है। पहले कित कैसा था और अब कैसा है? देखिए जो है ये कानपुर जो महानगर है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखता है, क्योंकि जो लेदर इंडस्ट्री यहाँ की थी वो वर्ल्ड फेमस थी और लगभग यहाँ पर जो मजदूर थे 2 से 2.5 लाख जो है मजदूर यहाँ पे खाली इंडस्ट्री के अंदर काम किया करते थे। जो ये बंद होने के बाद जो नमामि गंगे और सफाई गंगा सफाई के नाम पर ये इंडस्ट्री को बिल्कुल खत्म किया गया। ये गंगा साफ हो गई अगर इसके नाम पे खत्म? अरे ये देश का बहुत बड़ा घोटाला है। अभी जब सरकार परिवर्तन होगी तो ये देश का इतना बड़ा घोटाला सामने खुलेगा कि देश के लोग जो है जनता के होश उड़ जाएंगे कि इतना बड़ा घोटाला है। और यहाँ का रोजगार छीन कर ये ज्यादातर जो है शिफ्ट हो गया है बांग्लादेश में। यहाँ का जो दूसरे व्यापार थे इससे कपड़े के, यहाँ पे बहुत से मीले हुआ करती थी, ये मजदूरों का शहर हुआ करता था। ये शहर ने जाने कितनों को जो पाल पोस के बड़ा किया, जाने कितनों के पेट पाले। यहाँ की जो इतनी मीले हुआ करती थी, लाल इमली का नाम वर्ल्ड फेमस नाम हुआ करता था, वो आज अपनी बदाली पे बंद हो गई कगार पे। यहाँ पर जो है इस्पात का बहुत बड़ा काम था, वो सब चला गया है। तो धीरे धीरे यहाँ का सारा जो है व्यापार दूसरे शहरों में शिफ्ट हो रहा है, कहीं सूरत में, कहीं गुजरात में, कहीं जो है बांग्लादेश जैसे जो है दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहा है। तो ये बदाली पे रो रहे हैं, तो हम लोग बड़ा हताश और निराश हो जाते हैं कि बताइए कानपुर अपनी एक अपनी पहचान खो रहा है। तो शारिक भाई इसके पीछे की वजह क्या है? असल में जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मुगलों की बात होती है लेकिन वो दूसरे तरीके से होती है, ब्रिटिशर्स की बात होती है वो दूसरे तरीके से होती है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी कानपुर अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, अब पिछले 10-20 सालों की मैं बात करूं तो इसके पीछे की वजह क्या लग रही है, क्यों कानपुर से ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हुई हैं? आपने एक जैसे एग्जांपल दिया नमामि गंगे के नाम पे कि यहाँ पे लेदर फैक्ट्रीज हैं, उसमें तो इस वजह से गंगा को साफ करने की वजह थे, लेकिन क्या लगता था आपको वाकई कि इसका ऑप्शन कुछ ढूंढा जा सकता था कि ताकि ये इंडस्ट्रीज ख़त्म ना हो? नहीं बिल्कुल, अगर जो है ऑप्शन आप ढूंढना चाहते हैं ट्रीटमेंट प्लान लगाकर उस पानी को, वेस्टेज को कहीं यूज़ किया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये जो व्यापार है सीधा, अगर मैं साफ तौर पर बिल्कुल साफ साफ कहूँ, ये मुस्लिम समुदाय पर ज़्यादातर ये कारोबार मुस्लिम समुदाय के पास था, तो कहीं ना कहीं ये जो है राजनीतिक द्वेष के जरिए और कहीं ना कहीं मतभेद के चलते ये सब किया गया, जो आज ये चमड़ों का कारोबार बिल्कुल छीन लिया गया। अगर चाहते तो ये ट्रीटमेंट प्लान लगा के इसको जो है बिल्कुल सुचारू रूप से किया जा सकता है। दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में चमड़े का व्यापार नहीं चल रहा, कलकत्ता के अंदर कानपुर के बाद अगर दूसरा चमड़े नाम है तो कलकत्ता के अंदर है, कलकत्ता में क्या ये कारोबार नहीं अच्छा चल रहा है। आज बांग्लादेश जो है आज उसकी इकोनॉमी जो बढ़ रही है सिर्फ लेदर इंडस्ट्री वहाँ जाने की वजह से वहाँ की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये सब वजह रही है। अगर चाहते तो बिल्कुल ट्रीटमेंट प्लान लगा के इसको अच्छे से स्थापित करा जा सकता था और फिर से यहाँ की खुशहाली को बहाल किया जा सकता, यहाँ की फैक्ट्रियों को चालू किया जा सकता, यहाँ के रोजगार को फिर से वापस लाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ का रोजगार छीन के और इसको स्मार्ट सिटी के नाम पर सब झूठे मतलब वादे करके जो है कि हम डेवलप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया और यहाँ की गंदगी बदहाली मतलब सबसे ज्यादा है। आप किसी
चौराहे चलेंगे गंदगी आपको मिलेगी, और सिर्फ नाम पे हम लोग कागज पे जाए स्मार्ट सिटी के नाम पे जाए देखे जाते हैं। और एक बार और मैं आपको बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले कुछ साल पहले थोड़े दिन कानपुर को जो है स्वच्छ स्वच्छता में बहुत मतलब टॉप वन पे नंबर दे दिया, जबकि गंदगी में मतलब सबसे वन नंबर पर आ गया। सरकार ने दिया था ये जी, कानपुर के जो है नगर निगम ने इसको दिया था जब इन्होंने अभियान चलाया था स्वच्छ भारत के नाम पे। तो पूरे कानपुर में चला था या खाली कुछ सिलेक्टेड जगह थी? कुछ सिलेक्टेड जगह थी, लेकिन ऑन पेपर सबसे बड़ा घोटाला हुआ था, और जो है ऑन पेपर इन्होंने एक नंबर भी दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद जब आंकड़े जो है पूरे भारत के आए तो कानपुर गंदगी में नंबर वन आया। तो ये सब काम है, ऑन पेपर काम हो रहे। बाकी बड़ी बात है कि कानपुर के अधिकारियों ने अपनी ही सरकार को चूना लगा दिया, वरना साफ तौर पर कहा जाए कि कानपुर जिस चीज से जाना जाता है वो चीज तो खत्म कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं धांधलेबाजी की ली जाए या सरकारी आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की जाए उस पर आता है। चलिए ये तो हो गई आपके बिजनेस की रोजगार की बात, अब मैं असल मुद्दे पे आता हूँ। क्या है मुसलमानों के मन में इस बार 24 का, मतलब आप कह सकते हैं किस आधार पर इस बार वोट करेंगे? देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और एकता की बात करें, क्योंकि ये शहर जो है मौलाना हसरत मानी और गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम से जाना चाहता है, गंगा जमनी तहजीब वाला शहर कहा जाता है। तो हम लोग भी अमन पसंद लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग हों जो सेकुलर सोच के हों, जो देश के संविधान के आइन के ऊपर अपना यकीन रखते हों, और हम इस तरह के नेता चाहते हैं और हम चाहते हैं ये परिवर्तन हो। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो संविधान के साथ है, जो देश को सभी को लेकर चलने के साथ है, हम उसके साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है कि संविधान के साथ होना, देश के साथ होना और अपनी जनता के साथ होना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है नेता भी वही चुनिए जो आपके साथ हो। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। साहब क्या नाम है आपका? जीशान अहमद रजवी। जीशान साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, जॉब से शुरुआत करते हैं। रोजगार है पूरा कानपुर में? नहीं पूरा नहीं। शाहिद साहब जैसे बताया कि रोजगार के नाम पे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं। रोजगार खत्म हो गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफी नौकरियों को बंद कर दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद से नौकरियां बंद है, भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जहाँ पे पहले स्टाफ 63 लोगों का होता था, आज 36 लोग रह गए। काम के नाम पे कोई काम करना नहीं चाहता है, बहुत सी दिक्कतें हैं। तो इस बार क्या मुद्दे क्या होंगे, खास तौर पर मुसलमानों के मुद्दे क्या होंगे जिसके आधार पर इस बार वोट करेंगे आप लोग? मुसलमानों के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, वो हल होने नहीं है। नहीं, उम्मीद में तो दुनिया कायम है, नहीं है उम्मीद अलग चीज है, लेकिन हम लोग जो है बस ये देखना चाहते हैं अच्छे मिजाज का इंसान हो, जो सेकुलर माइंड का इंसान हो, अच्छे काम करे, हिंदू मुस्लिम ना फैलाए ज्यादा, बस उसी धार्मिक भेदभाव ना हो ज्यादा। भेदभाव वाले को नहीं पसंद करेंगे, बाकी जो अच्छा इंसान होगा उसको वोट करेंगे। ये एक बहुत कॉमन चीज है, जब हम फर्स्ट फेज में पहली बार निकले थे जनता का मिजाज जानने के लिए, तब से लेकर आज चौथे फेज में मैं खड़ा हूँ और चौथे फेज का पहला शहर है कानपुर। यहाँ पर कोई भी एक, खास तौर पर मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं मिला जिसने आपसी सौहार्द की बात ना की हो, गंगा जमुनी तहजीब की बात ना की हो, आपसी भाईचारे की बात ना की हो। मुसलमान हो या फिर देश का रहने वाला हर वो नागरिक, ये चाहता है कि देश में अमन शांति बहाल रहे, और इसी के आधार पर इस बार मुद्दों पर को बनाकर और खास तौर पर अपना नेता चुनने की, अपने क्यादत करने वाले को चुनने की कोशिश की जा रही है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, मैं एक बार बात कर लेते हैं। और सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद साहब क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे होंगे और खास तौर पर मुसलमानों के मन में क्या है इस बार 24 के चुनाव में? मंचों से बहुत बड़ी बड़ी बातें और अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं मुद्दे क्या है, माइनॉरिटी बहुत दबाया जा रहा है, बहुत ही दबाया जा रहा है। आप माइनॉरिटी की बात करें उसमें माइनॉरिटी में बहुत लोग आते हैं, पर माइनॉरिटी में मुसलमान बहुत दबाया जा रहा है, उनके मुद्दों को उठाया ही नहीं जा रहा है, और कोई भी मुसलमान इस समय अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है इस बीजेपी के राज में। क्यों? मोदी जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर जब इस तरीके की बातें हैं तो क्या मुसलमान भरोसा कर पाएगा, विश्वास जता पाएगा फिर? नहीं, ये उनके अपने आंकड़े हैं। आज मुसलमान उठा के देखिए बहुत डरा हुआ है, वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, उसको ना खाने का अधिकार है, ना पहनने का अधिकार है, ना स्वतंत्रता जीने का अधिकार है। आप देखिए आज से पहले भी सरकार रही है 700 सालों में, आप नमाज पढ़ते थे कोई दिक्कत, उनको बंद कर दिया। आज बड़े बड़े धार्मिक प्रोग्राम रोड पे होते हैं वो होते हैं, पर मुसलमान के नाम पे नमाज पढ़ना तो उनको इतराज़ हो जाता है। ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता भी छीन रहे हैं, खाने की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता जब छीनते चले जा रहे तो हम आज़ाद कहाँ हैं? हमें तो संविधान की रक्षा करनी है। आज संविधान में जो मैटर चल रहा है वो संविधान अगर हम बचा लें, आज माइनॉरिटी चाहता है कि हमें संविधान को बचा रहे, जो 1947 के बाद आज़ादी के बाद संविधान बचा था वो सबको मिलने के बाद बना था, आज उसको बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हर मुसलमान की। और मैं ये आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर
संविधान नहीं बचा तो माइनॉरिटी इस देश से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है माइनॉरिटी के लिए, हम मुसलमान भाइयों के लिए, कि अपने अधिकार को बचाना है और ज़रूरी पे एकत्र होकर वोट करना है। ये नाराज़गी है उन लोगों की जो ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ मुसलमान भी अपने हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आखिरकार जिस तरीके से मुसलमानों को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया गया, तो संविधान को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी मुसलमान हो या हर उस नागरिक की है जो संविधान में यकीन रखता हो, देश की एकता और अखंडता में यकीन रखता हो। कुछ और लोग भी एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? तकमील हसन खान। तो ये सब क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके इस बार, और क्या है मुसलमानों के मन में खासतौर पर? चूँकि हम लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं तो बात कानपुर की करते हैं। बिल्कुल, कानपुर की पहचान यहाँ एक सद्भावना, भाईचारे और मुस्लिम हिंदू एकता की एक मिसाल है, जिसको की पहचान बनता है गणेश शंकर विद्यार्थी और हजरत मोहानी जी के नाम से। यहाँ जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो प्रेम कानपुर में रहा, इसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान में दी जाती है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से अभी देखने को मिला है कि जब हमारे बीच कोई त्यौहार होता है, किसी भी हमारे हिंदू भाई का हो या हम लोगों का हो, त्यौहार से पहले की जो तैयारियाँ थीं, वो तैयारियाँ पहले होती थी कि बाज़ार सज जाते थे, बहुत चहल पहल रहती थी, बड़े खुशगवार माहौल हुआ करता था। अब जब कभी भी, ये सब आपने भी गौर किया होगा, अब जब कभी कोई त्यौहार आता है तो लगता है कि कोई लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब होने जा रहा है, ऐसे पुलिस का एक फौज उतर जाती है रोडों पे, ऐसे मार्च होने लगता है, इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। खासतौर पर मुसलमानों के त्यौहार में होता है या हर त्यौहार? हर त्यौहार में होता है। जब भी कोई त्यौहार आता है, त्यौहार जब होता है तो दिवाली हो तो हम दिवाली हम मनाते हैं, ईद होती तो हमारा हिंदू भाई हमारे साथ ईद मनाता है, अभी भी मनाता है। पब्लिक में कहीं कोई इस तरह का कोई खलफशार नहीं है, लेकिन माहौल इस तरह का सेंसिटिव बन गया है। वो बन नहीं गया, बनाया जाता है, बनाया इसलिए जाता है कि हम चुनाव जो होता है, चुनाव किया जाता है कि एक सरकार चुनी जाएगी, वो सरकार देश को कैसे विकसित करना है, कैसे चलाना है, कैसे रोजगार प्रोवाइड कराना है, कैसे महंगाई पे कंट्रोल करना है, देश विदेश की नीति कैसे बनाना है, रक्षा कैसे करनी है, ये सरकार का काम है। सरकार जब 10 साल चुनाव, 10 साल चलाने के बाद मंच पर आके मुखिया बात करता है, तो वो बात करता है किस बात की? मंगलसूत्र क्या होगा, आप सुरक्षित हो कि नहीं हो, इस ये मस्जिद में क्या हो रहा है, पाकिस्तान कैसे क्या करेगा, मुसलमान खा जा रहा है अपने वहाँ, इस पर मंच पे बात करते हैं। ये बात करते नहीं हैं कि नौकरी किस कैसे दी जाएगी, मुद्दों की बात नहीं होती, लीक हो रहा है, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, रोजगार नहीं है, 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया, जब वो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, मैं तो रिटायरमेंट के भी 5 साल गुजर चुके होंगे। एक सैनिक जो 18 साल 19 साल की उम्र में भर्ती होता है, 4 साल यानी 23 साल की उम्र में वो रिटायर हो गया, 23 साल में उसकी शादी नहीं होती है, कुंवारा ही होकर रिटायर हो गया, उस रिटायरमेंट के बाद वो करेगा क्या? इस पर कोई जवाब नहीं है इनके पास। स्वास्थ्य पे इनका कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी पे इनके पास कोई जवाब नहीं है, महंगाई पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये सीना चौड़ा करके बताते हैं कि हम 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को राशन बांट रहे हैं, ये पलट के दूसरा सिक्का नहीं दिखाते हैं कि हमने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को उस दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया कि हम मुझसे राशन मांग के खा रहे हैं और जिंदा हैं। हालात वो पैदा करिए कि वो खुद राशन खरीद सकें। राशन आपसे क्यों मांगे? आपसे मांगे रोजगार, रोजगार दे और राशन में खुद खरीद लेंगे। आपसे मांगेंगे वो सुरक्षा, वो स्वतंत्रता, जिससे वो अपने व्यापार को बढ़ा सकें। व्यापारी आज दूसरे शहरों में जाके काम नहीं करना चाहता है, इस तरह की लूट मची है, इस तरह के अपराध बढ़ गए हैं, आपराधिक ग्राफ इतना बढ़ गया है। ये जब सरकार का दूसरा चरण आया था तो बताया गया कि अपराधी मुक्त भारत वो हो गया है प्रदेश, कानपुर में भी यही कहा जाता है। आप अखबार उठाइए, हेडलाइन हुआ फिर वो, आप अखबार उठाइए, किसी अखबार को उठाइए, फ्रंट से लेकर 3 पेज तक किसी लूट और बलात्कार और खाली हत्याएं सही छपा होता है अखबार, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इस पर ये मंच पे बात नहीं करना चाहते हैं, इस पर ये वोट नहीं मांगना चाहते हैं। वोट मांगने का टाइम आता है तो ये इमोशनली आपको हैरेसमेंट करते हैं, हैरेसमेंट करने के बाद वोट ले लेते हैं। हमारा वो भाई जो किसी भी सरकार को वोट दे रहा है वो भी उतना ही पछता रहा। व्यापारी, आप किसी जाइए किसी भी मार्केट में, किसी बड़े थोक बाजार में, तो आपको मालूम होगा कि उस सर पे हाथ रख के रो रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन किया गया था, इससे लग रहा था कि अब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन आप कभी जाके देखिए तो व्यापारी संगठनों से बात करके देखिए, उनसे पूछिए कि पहले आपका टर्नओवर क्या था, आज क्या है। वो बैठे इस इंतजार में रहते हैं कि दिवाली या ईद आएगी तो हम 1 महीना व्यापार चला लेंगे, 10 महीने उससे खाना खाएंगे, बच्चों की फीस भर दें, इतना ही बहुत है। ये कानपुर के हालात आप बता रहे हैं या पूरे देश की बात कर रहे हैं? मैं कानपुर की बात, या मैंने पूरे देश का भ्रमण नहीं कर रखा है, कानपुर में कर रखा है। कानपुर एक बहुत बड़ी मंडी है, आप घंटाघर में खड़े होइए तो कम से लोहा मंडी यही है, खोया मंडी है,
सुनार मंडी है, अनाज मंडी आपको घंटाघर से मूलगंज तक के ऐसी 12-14 मंडियां मिलेंगी जो बहुत बड़ा मार्केट है, जहां अरबों रुपए का काम होता है, करोड़ों रुपए का नहीं। लेकिन उन मंडियों का सर्वे करके आइए, उन व्यापारियों से पूछिए कि सरकार ने क्या नीतियां बनाई, क्या मैनिफेस्टो लाए थे, उस मैनिफेस्टो पर उन्होंने काम किया या नहीं किया। आप रिजल्ट तो 5 साल के बाद आता है ना, मैनिफेस्टो लाए 2014 में, 19 तक क्या किया नहीं पता उन्होंने, फिर पब्लिक को कोई ना कोई काम बता के वोट मांग लिया, फिर 19 में एक नया फिर मैनिफेस्टो लाए थे, उस मैनिफेस्टो का जवाब दे दें पब्लिक को अगर, तो मैं भी खुद भी वोट इन्हीं को कर दूंगा। तो फिर क्या है इस बार खासतौर पर मुसलमानों के मन में क्या है? अगर मुसलमान इनको वोट नहीं कर रहा है जो गवर्नमेंट में है, एक सबसे बड़ी चीज है बदलाव प्रकृति का नियम है। आपने 10 साल सरकार चला ली, 10 साल में अगर आपने सरकार में कुछ ऐसा काम किया है उसको मंच पे खड़े होकर बताइए कि मैंने 10 साल में जनता के लिए ये काम किया है। तो फिर बाद में भी पब्लिक ने ही वोट दिया ना, 22 में चुनाव हुए, 22 में फिर पब्लिक ने जिताया, फिर सरकार बनाई पूर्ण बहुमत की। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि मतलब पब्लिक के बीच में जो चीजें वो डालना चाह रहे हैं वो तो फिर अपने मकसद में कामयाब है, फिर तभी फायदा हो रहा है? पौने 5 साल वो जो पब्लिक में डालना चाहते हैं, वो उनकी जो मंशा है वो डालना चाहते हैं। जब 3 महीने बचते हैं आचार संहिता से लेकर पोलिंग वाले दिन तक, उस टाइम के उनके अपने वचन दूसरे होते हैं, जिसको उन्होंने खुद भी माइक पर स्वीकार किया कि तो जुमला कहा जाता है जिसको मैनिफेस्टो है या चुनावी वादे हैं, वो एक जुमला था, खत्म हो गया। बाकी हमारी मंशा जो है वो हमें करना है। मतलब 15 लाख की उम्मीद लगाए बैठे हुए थे अभी भी आप? अब कहा है तो लगाए, सब कह दिया था इसलिए लगाए तो ये भी बैठे हैं कि देश में उद्धार होगा और देश एक कितने ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। हम सरकार चुन रहे हैं तो हम सरकार से उम्मीद भी लगा रहे हैं, उम्मीद ये लगाते हैं कि आप 100 वादे कर रहे हो, 10 तो पूरे कर दो, हम तो इसी उम्मीद से देते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस सरकार को अगर बदल के दूसरी सरकार लाएंगे वो बहुत दूध की धुली होती है, या वो जो कह देगी वो उसी को करेगी, वो कभी सरकार में नहीं आई है। वो आए, उन्होंने भी 70 साल सरकार चलाई, बहुत सी बातें उनकी ऐसी थी जो जुमला साबित हुई, लेकिन उनके साथ इतनी असंतोष नहीं था जनता में जितना आज है। ये मुस्लिम हिंदू सिर्फ पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं, वो लोग जो कैंडिडेट हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, आम जनता में भी कहीं मुस्लिम हिंदू कुछ नहीं है। ये सबसे अहम चीज़ है कि जनता को मतलब है महज सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी से, उसके बच्चों की अच्छी एजुकेशन से, घर में कोई बीमार होता है तो उसका अच्छा हेल्थ सिस्टम उसको मिले, सिर्फ मकसद उससे होता है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें इस बार निकली हैं या इस तरीके से चीज़ें कहा गया, उन सब चीज़ों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल जनता कर रही है, जनता जानना चाहती है कि 10 साल के कार्यकाल में जिस तरीके की फिजा बनाने की कोशिश की थी, उस फिजा में कितना अच्छा काम किया, कितना ख़राब काम किया, क्या काम नहीं किया, और भी कुछ लोगों को एक बार जानने की कोशिश करते हैं, बात कर लेते हैं। बात चाहते हैं अब साहब, क्या नाम है आपका? ज़हीरुद्दीन शाहिद। शाहिद साहब, अच्छा आप भी शाहिद हैं, ज़हीरुद्दीन शाहिद हैं, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे और क्या है मुसलमानों के मन में? मुसलमानों के मन में यही है कि जो है क्या बोलते हैं, उनके हकूक़ की लड़ाई है, उनके ज़िंदा रहने की लड़ाई है, और इसलिए जो है ये इस मुद्दों पर कि मुसलमानों की तालीम कैसे होगी, मुसलमान तरक्की कैसे करेंगे, और एक मुल्क है, एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में जब सब तरह के फूल होंगे तभी ये मुल्क तरक्की करेगा, अगर मुसलमान तरक्की नहीं करेगा तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो फिर मन में क्या है इस बार, क्या मतलब आगे का क्या देख रहे हैं 24 के चुनाव में? फिर वो तो हमारे दिल में जो है वो हम करके दिखाएंगे। चलिए, ये तो जाहिर सी बात है कि अपने ऊपर है, अपने मन की बात है कि आप किसको वोट देंगे, कैसे वोट देंगे। कुछ युवा भी मौजूद है, मैं उनसे एक बार और बात कर लेता हूँ। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ अली खान है। यूसुफ साहब, क्या करते हैं आप? जी मैं एक जो छोटा बिजनेस करता हूँ अपना। छोटा बिजनेस करते हैं? किस चीज़ का बिजनेस है? मेरा ट्रांसपोर्ट के लेवल पे एक छोटा बिजनेस है जी। हाँ, चलिए आप ही के काम से शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस जिस तरीके से पहले था 10-15 साल पहले, अब कहाँ देख रहे हैं? अब एकदम वो, अगर वो हम उस समय का 10 साल पहले काम करते थे, मैंने काम शुरू किया था 2014 के आसपास, उसके बाद ये लेवल एकदम डाउन होता चला जा रहा है। ट्रांसपोर्ट अधिकतर बंद होने का कगार पर खड़े हैं। ठीक है, कानपुर तो ट्रांसपोर्ट की वैसे भी एक तरीके से हब है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा हब है, यहाँ पे तमाम गाड़ियाँ आती है, दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ के अपना व्यापार करते हैं ट्रांसपोर्ट को लेके। लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को काम बढ़ाने का कोई भी पॉलिसी पे सरकार कोई भी काम नहीं करती है कि ट्रांसपोर्ट जो काम करते हैं उनको किस तरीके सहूलियत दी जाए कि ये व्यापार बढ़े, इस तरीके का कोई भी सरकार कोई भी काम नहीं करती है। अब बात आई हमारे समाज की, मैं ताल्लुक़ रखता हूँ मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज का हर एक आदमी, हर एक बच्चा ये चाहता है कि आने वाली सरकार या जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है मुस्लिम के लिए क्या करेगी। अब देखिए चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में प्रत्याशी आता है, हमारी मोदी जी को लेके कोई भी जाति दुश्मनी नहीं है हमारी, उन्होंने लिखा पढ़ी तो रजिस्ट्री अपने नाम करा लिया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमारे आए जो प्रत्याशी मुस्लिम समाज के लिए क्या करेंगे, उनके मैनोफेस्टी में मुस्लिम समाज के लिए क्या है, छात्रों के लिए क्या है, और मदरसों के लिए क्या है, वो मदरसों के लिए क्या काम करेंगे, मदरसे एकदम
एकदम बंद होने के कगार पे है। अभी मदरसा बोर्ड को बंद भी कर दिया गया, मदरसा बोर्ड को बंद भी कर दिया गया है, उस पर कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, स्टे दे दिया है। मदरसों के लिए क्या करेंगे, चूंकि जो गरीब बच्चे हैं या जो भी जैसे बच्चे हैं वो मदरसों में जाते हैं पढ़ने के लिए, मदरसों को वापस अपनी जिस जगह पे वो बड़े एक लेवल पे शिक्षा देते थे, समाज को सुधारने का सबसे बड़ा काम मदरसों का ही है। उस वो मदरसे एकदम बदहाली के कगार पे पहुंच रहे हैं। मदरसों को लेकर क्या करेंगे, छात्रों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, छात्रों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, इस पे मुस्लिम समाज के लिए उनके मैनिफेस्टो में क्या है, अभी इस तरीके की कोई भी घोषणा उनकी मुस्लिम समाज में नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार अगर बदलती है, हम तो चाहते हैं कि बदल जाए, आने वाली सरकार मुस्लिम समाज को लेके क्या करेगी। जो प्रत्याशी आता है एक मुस्लिम समाज में आ जाता है, मुस्लिम समाज में आके एक कमरे में बैठ के वो चार मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे लेके बैठ जाता है, ठीक है, और उनसे कहता है कि हमको चुनाव लड़ना है। मुस्लिम समाज के वो बड़े ठेकेदार उस प्रत्याशी को अपना वो अपना बॉस मान लेते हैं। अब आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी कहिए, वो अपना बॉस मान लेते हैं। अब वो हो जाते हैं मुस्लिम समाज के ठेकेदार कि ये जो इतनी बड़ी आबादी है, प्रत्याशियों को अपने वहाँ बैठा ला, अपने वहाँ कैप्चर किया प्रत्याशियों को मुस्लिम समाज के चंद ठेकेदारों ने। अब मुस्लिम समाज का उन्होंने वोट का अपना पूरा ठेका ले लिया कि अब हम आपको मुस्लिम समाज का वोट हम दिलवाएंगे। अब प्रत्याशी को वो नहीं बताते हैं कि मुस्लिम क्षेत्रों में क्या क्या कमियां हैं, दिक्कतें क्या क्या हैं, क्या क्या चाहिए, जरूरतें क्या। वो जो मुस्लिम का उन्होंने ठेका ले रखा है चुनाव लड़ाने का, वो प्रत्याशी को बताते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम के क्षेत्रों में, मुस्लिम की गलियों में क्या क्या कमियां हैं, मुद्दे क्या क्या हैं उनके अपने, बेरोजगारी के मुद्दे हैं कि शिक्षा के मुद्दे हैं, मदरसे के मुद्दे हैं कि छात्रों को लेकर या युवाओं को लेकर क्या क्या मुद्दे, वो बताते ही नहीं है, ना प्रत्याशी को मालूम होता है ना वो बताते हैं, वो अपना खेल करके चुनाव लड़ा के चले जाते हैं। मुस्लिम समाज हमेशा इसी तरीके से ठगा जाता है और ठगता रहेगा। तो फिर इस बार क्या मन में क्या है, किस तरीके के फिर मुद्दे तो आपने बहुत सारे घुमा दिए भाई, एजुकेशन हो गया आपका, हेल्थ सेक्टर हो गया, ये तो बेसिक मुद्दे हैं ना, ये तो बेसिक मुद्दे हर आदमी चाहता है, हर युवा चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से स्कूल में पढ़े, अच्छे से मदरसे में, अच्छे से तालीम पढ़े, तालीम तो हर आदमी का है ना, हर आदमी चाहता है। तो ये मुद्दे जो है हर बार घुमा दिए जाते हैं, फिर चुनाव आता है, फिर मुस्लिम समाज फिर यही खड़ा हुआ है, तो ये मुस्लिम समाज कब तक झेलेगा। तो फिर क्या मन में इस बार क्या है कि क्या होना चाहिए, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? कैंडिडेट होना ये चाहिए कि जिसको कानपुर शहर की आवाम की जनता को जो नब्ज पकड़ सके, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सके, उसके शिक्षा को लेके काम कर सके, रोजगार को लेके काम कर सके। ये जो छोटे छोटे जो है जो ठेला लगाते हैं, गुमके लगाते हैं, इनके व्यापार को लेके वो अच्छा सा काम कर सके। आए दिन अतिक्रमण चलता है, देखिए अतिक्रमण के खिलाफ हम भी नहीं कि शहर में वातावरण बढ़िया बना रहे और जो है रोडें क्लीन रहे, लेकिन हमको अगर कहीं से हटा रहे हैं तो कहीं उनको जगह भी दें। उनका रोजगार ठेले से चल रहा है, उनका रोजगार गुमटी से चल रहा है, अगर वो गुमटी को ठेले तो रोड हटा रहे हैं तो सरकार का और हमारे नगर निगम का काम है कि उनको कहीं ना कहीं एक सुरक्षित जगह दे, शिफ्ट किया जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, ना कि उनको एकदम बेरोजगार कर दिया जाए, है ना। तो इस बार लग रहा है कि फिर क्या बदलाव है या फिर रिपीट है या क्या लग रहा है कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, मंचों से जिस तरीके की बात होती है उस पर क्या कहना। देखिए अगर मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे तो मुद्दा सामने नहीं आएगा और हमारा तो कहना यही है कि बदलाव होते रहना चाहिए। जब बदलाव होगा तो जो पीछे जो सरकार जाएगी उसको अपनी कमियों पे एहसास होगा, फिर वो चाहेगी कि अगर हो सकता है जो 5 साल के बाद हम इन कमियों को सुधारें फिर हम वापस सरकार में आए, तो इससे जनता को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता रहेगा, जनता को फ़ायदा मिलता रहेगा। अगर जनता ये चाहती है सरकार हमारे खिलाफ, ये सरकार हमारा काम नहीं कर रही है, फौरन उसको चेंज किया जाए, दूसरी सरकार लाई जाए, फिर जब सरकार जब वो बैक पे जाएगी, पीछे जाएगी, तो उसे अपनी गलती पे ऐसा एनालिसिस करेगा वो कि हमारे से कमियां क्या रहेगी। चलिए बहुत अहम चीज़ है आपने बताई, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है हसरत मोहानी और गणेश नगर विद्यार्थी का ये शहर कहीं ना कहीं अपनी पहचान तो खोता ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन वहीं साथ ही साथ जो युवाओं के दिलों में जो दर्द है कि जो एक खासियत कानपुर की हुआ करती थी वो खासियत भी कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो गई है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले चरण में, अगले फेज में कहीं और किसी और शहर का क्या है मुसलमानों के मन में और कौन होगा 24 का सरदार, जानने के लिए आप देखते रहिए सलाम टीवी।